हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेडमी के Y2 की अनबॉक्सिंग, जो मैंने अभी परचेज़ किया था। सो फ्रेंड्स, आज हम इसमें देखने वाले हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है। और देख लीजिए, बॉक्स जो है कुछ इस तरीके का देखने को हमें मिल जाता है, बिल्कुल रेड कलर का है। जैसे Y1 का आया था, वैसे ही Y2 का बॉक्स भी है। Y1 की भी मैंने अनबॉक्सिंग डाली है, उसे आप प्लेलिस्ट में मेरी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉक्स है और इसमें पन्नी लगी हुई है बाहर से, और इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड, और नीचे रेडमी Y2 लिखा हुआ है। और बैक साइड में हमें कुछ मेन फीचर्स पे हाईलाइट करा गया है, जैसे कि इसमें डुअल मेगापिक्सल कैमरा मिलता है 12.5 का, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। उसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज़ इन्होंने करा है। 5.9 इंच की स्क्रीन मिलती है, HD स्क्रीन है, और 18:9 रेशियो के उसमें आती है। और साथ में स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर मिलता है, और साथ में इसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है बॉक्स पर। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन फीचर्स पे नज़र डाली गई है इसमें। अब इसको देख लेते हैं खोल के बॉक्स को, कि अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, वैसे मैंने अनबॉक्स कर लिया था, क्योंकि जब मैंने शॉप में परचेज़ करा तो उस समय मैंने अनबॉक्स कर लिया था, बट आपको दिखा देता हूँ फिर भी क्या क्या चीज़ हमें अंदर से देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो, फ़ोन ही देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है उसको, जो जिस तरीके से इन्होंने रखा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भी ऊपर से कुछ मेन फीचर्स पे नज़र डाली गई है, जैसे 16MP का कैमरा है, AI पावर्ड फ्रंट कैमरा है इसका। इसमें हमें फ्लैश भी देखने को मिल जाता है, और ये देख लीजिए, फ़ोन कुछ बैक साइड से ऐसा लगता है, बिल्कुल Redmi Note 5 Pro की तरह ही देखने को मिलता है हमें। इसे अभी साइड में रख लेते हैं और देख लेते हैं अंदर क्या क्या कॉन्टेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अभी देख लीजिए, सबसे पहले USB टाइप 0.2 केबल मिल गई है। टाइप सी इन्होंने दिया नहीं, जबकि दे देना चाहिए था, बट चलिए देखते हैं और क्या है। चार्जर भी ठीक है इसका, 5.2 एम्पियर की इसकी रेटिंग है, नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर हमें देखने को नहीं मिलता है इस पर। तो चार्जर की क्वालिटी भी फ्रेंड्स ठीक ही है, बढ़िया है चार्जर। और सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है, बट ये छोटा है थोड़ा, सिम इजेक्टर पिन जो दे रही है इसमें, और MI के हैंडसेट में थोड़ी बड़ी आती है, इसमें थोड़ी छोटी देखने को हमें मिल जाती है। और देख लेते हैं फ्रेंड्स और क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है इसमें। अभी एक बॉक्स और था इसे देख लेते हैं खोल के, इसमें क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये हम इसे ओपन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पैक कर रखा है इन्होंने। इसमें देख लीजिए कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है हमें Y2 के रिलेटेड। और अभी हम आपको दिखाते हैं एक कवर हमें देखने को मिल जाता है इसमें। ये काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें एक्सटर्नल बना हमारा पैसा खर्च हो जाता है। और देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट कवर है, अच्छा है कवर, ठीक है, क्योंकि हमें मिल जा रहा है, वो एक अच्छी बात है इस पर। अभी हम इसे लगा के भी दिखाएंगे आपको कैसी फिनिशिंग आती है। और अब नज़र डाल लेते हैं फ़ोन पे कि फ़ोन कैसा है, हमें कैसी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है इसमें। सो सबसे पहले तो ये इसको हटा देते हैं, जो एक लेमिनेशन टाइप का दे रखा है हमें। और देख लीजिए फ्रेंड्स, फ़ोन कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, फ़ोन की लुकिंग अच्छी है। पिछले मॉडल से अगर हम कंपेयर करें क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिला है। और ये स्टिकर्स हैं, इनको हम साइड कर लेते हैं, हटा लेते हैं इससे। और देख लीजिए, नीचे से MI की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट ऊपर देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। और इसमें डुअल कैमरा है, एक तो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, और दूसरा नॉर्मल कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। बीच में LED फ्लैश हमें देखने को मिल जाती है इस पर। सही है फ्रेंड्स, क्वालिटी अच्छी लग रही है, काफ़ी लग रहा है कि हार्ड फोन है, बट क्वालिटी जब टेस्ट होगा तभी पता लगेगा। खैर, बाकी साइड से हमें वॉल्यूम रॉकर की देखने को मिल जाती हैं, और साथ में पावर लॉक की का बटन हमें देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड से अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, हमें स्पीकर मिल जाता है और USB का पोर्ट मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट।
की साइड में हमें सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। अब सिम ट्रे देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमें किस तरीके की इसमें देखने को मिल जाती है। वैसे तो फ्रेंड्स आपने सब देख ही लिया होगा इस फ़ोन के बारे में, क्योंकि मैंने थोड़ी अनबॉक्सिंग लेट में करी है। और ऊपर के साइड से आईआर ब्लास्टर और हेड 3.5mm का जैक, हेडफोन जैक हमें देखने को मिल जाता है। अब इसकी सिम इजेक्टर पिन से इसको खोल के ज़रा देख लेते हैं कि इसमें कितने स्लॉट्स हमें देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और ये मॉडल जो है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला मॉडल है। इसमें 4GB रैम भी देखने को हमें मिल जाती है 64GB के साथ। सो फ्रेंड्स, ये हमारी सिम ट्रे बाहर आ चुकी है और देख लीजिए इसमें काफ़ी बढ़िया करा है इन्होंने इस बार कि दो सिम हम नैनो सिम इसमें लगा सकते हैं और साथ में डेडिकेटेड SD कार्ड भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा इस बार MI की तरफ से, क्योंकि स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ में प्रोसेसर इसमें अच्छा डाला है 4625 का, पिछले बार तो 435 का प्रोसेसर था। अब इसे फर्स्ट बूट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट बूट हो रहा है। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, फर्स्ट बूट हमारा फ़ोन हो चुका है। और सबसे पहले इसकी सेटिंग देख लेते हैं कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स कौन से वर्जन पे ये देखने को मिल जाता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले ये अच्छी बात लगी फ्रेंड्स, इसमें ओरियो का 8.1 वर्जन हमें देखने को मिल जाता है। और जैसी मैंने इसे फर्स्ट बूट करा था तो इसमें एक अपडेट हमें देखने को मिल गया था, UI अपडेट था वो, तो अपडेट के मामले में ठीक लगा फ्रेंड्स। बाकी एप्लीकेशंस इसमें काफ़ी प्री लोडेड हैं कंपनी की तरफ से ही, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्मूथ लग रहा है हमें इसका। अभी फ्रेंड्स आपको इसका थोड़े स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी टेस्ट करवा देते हैं, किस तरीके की स्पीकर की साउंड क्वालिटी दे रहा है ये। ये देख लीजिए आप, तो फ्रेंड्स स्पीकर्स तो MI के फ़ोन में अच्छे आते हैं बट उतने अच्छे नहीं है। अगर आप MI A1 यूज़ कर रहे हैं उसके स्पीकर हमें ज़्यादा बढ़िया लगे इससे। और बाकी देख लीजिए आप, स्मूथनेस तो काफ़ी अच्छी है। अब इसका कैमरे की काफ़ी तारीफ हो रही है तो कैमरे पे भी नज़र डाल लेते हैं एक बार। कैमरे में आपको डेप्थ सेंसिंग अच्छी मिल जाती है, आगे से भी आप पोर्ट्रेट फ़ोटो खींच सकते हैं और फेस लॉक की भी फैसिलिटी इसमें हमें देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारे फंक्शन इसमें हैं, आप इसमें टाइम लैप्स निकाल सकते हैं, स्लो मोशंस निकाल सकते हैं। कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है और साथ में फ्रंट कैमरे में AI टेक्नोलॉजी का भी इन्होंने यूज़ करा हुआ है। तो ओवरऑल फ़ोन फ्रेंड्स बहुत अच्छा है। 10,000 की रेंज में अगर आप एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन देख रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी हमें 625 मिलता है। भले वो 2 साल पुराना प्रोसेसर है बट परफॉर्मेंस जो देता है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छी है। आप इसमें हैवी गेम्स खेल सकते हैं, चाहे एसफॉल्ट हो चाहे कोई सा हो। और देख लीजिए फ्रेंड्स, इसे हम कवर में डाल के दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई इसका वीडियो चाहिए, चाहे कैमरा का या गेमिंग का, आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका वीडियो आपको बना के ज़रूर दूंगा। और कंपैरिजन वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी बताइएगा आप, मैं आपको डेफिनेटली बना के दूंगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।